हेलो दोस्तों, सबसे पहले हमने इसमें ड्राइंग की थी, फिर उसके अंदर हमने हल्के हल्के कलर किए हैं। अब उसके बाद इसको हम फाइनल करेंगे। जैसे हमने इसके अंदर पहले येलो कर येलो ऐसे इसमें कलर किए, फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ी थोड़ी हम और शेडिंग दे रहे हैं येलो कर कलर के साथ। इसके अंदर कलर से हम जितनी टोन्स दिखाएंगे, हमारा जो ये पोस्टर है और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे इसके अंदर जैसे सबसे हाईलाइट टोन हो गई, लाइट टोन हो गई, मीडियम टोन हो गई, डार्क टोन हो गई, वेरी डार्क टोन हो गई, जब इनको सारे को हम इसके अंदर दिखाएंगे तो हमारा ये पोस्टर है और भी अच्छा बन जाएगा। पोस्टर के अंदर क्या होता है, पोस्टर के अंदर बीच में, जैसे पोस्टर जब भी हम भी बनाते हैं, कई बार तो जैसे हमें पता नहीं होता कि पोस्टर क्या होता है, पेंटिंग क्या होती है। पेंटिंग में सिर्फ हमें इमेजेस वगैरह जो ड्राइंग करते हैं, कलरिंग वगैरह करके जो बनाते हैं, उसको हम पेंटिंग बोलते हैं। या एक इसके ऊपर नीचे जैसे बीच में तो इलस्ट्रेशन होता हमारा, जैसे ये हो गया, इसके साथ में अगर हम वर्डिंग लिखते हैं तो वह हमारा पोस्टर हो गया। यदि हम सिर्फ वर्डिंग वर्डिंग लिखते हैं तो वो हमारा स्लोगन हो गया। तो पोस्टर के अंदर हम वर्डिंग यूज करेंगे और बीच में इलस्ट्रेशन जो ऐसी इमेज देंगे तो हमारा वह पोस्टर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम धीरे धीरे हम इसके अंदर ऐसे शेड देंगे, जैसे किनारे पर थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं हम, और नेक पे इसको और डार्क किया हमने ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। ये हमने 11B की पेंसिल, इसके अंदर हम आउटलाइन वगैरह करेंगे। 11B ये डार्क पेंसिल होती है, जैसे इसके बाद एक 12B की पेंसिल आती है जो भी इससे डार्क होती है। जितने बी ज़्यादा होते हैं वह पेंसिल डार्क हो जाती है। और जैसे इसके अंदर HB जो लाइट हो गई, फिर 2B 4B ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ये डार्क होती जाएंगी और ये पेंसिल सॉफ्ट भी होती जाएंगी। ऐसे इसके साथ हम अब शेडिंग देंगे और इसको फाइनल करेंगे।